मैं डॉक्टर कल्पना नागपाल हूँ, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में हूँ, सीनियर कंसल्टेंट ईएनटी एंड हेड एंड नेक सर्जरी। अक्सर हम देखते हैं हमारे पेशेंट्स जो ओपीडी में आते हैं, यही बात होती है कि ऑट्रिवन ड्रॉप्स यूज़ करते हैं, ये रोज़ पूरा साल यूज़ करते हैं और कहते हैं कि नाक बंद रहता है इसीलिए हम यूज़ करते हैं। ये भी देखा जाता है, काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि ऑट्रिवन ड्रॉप्स अब असर भी नहीं करते। ये ऑट्रिवन नेसिवियन जो हैं, ये नेजल डिकंजेस्टेंट्स होते हैं। इसका ये मतलब है कि ये यूज़ करने पर तुरंत राहत मिलता है, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए होता है। ये नेजल ब्लॉकेज जो है, नाक बंद वाला सिम्टम जो है, वापस आ जाता है। तो इसीलिए कई लोग इसको दिन में 4 बार 5 बार यूज़ करते हैं। कई बार लोग इसके बगैर सोते नहीं हैं, ड्रॉप्स यूज़ करके ही सोते हैं। सो ये ऑट्रिवन नेसिवियन ड्रॉप्स जो है, नेजल डिकंजेस्टेंस जो है, इससे मैजिकली रिलीफ मिलेगा। इंसान बहुत खुश होता है क्योंकि तुरंत ही नाक खुल जाता है, लेकिन इसकी बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत हानिकारक चीज़ है। साल में 1 बार 2 बार जुकाम के टाइम 2-3 दिन के लिए यूज़ कर लिया, इसका कोई बात नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता। लेकिन जो इस पर डिपेंडेंट हैं, इसका एडिक्शन होता है। और इसका साइड इफ़ेक्ट ये है, राइनाइटिस मेडिकामेंटोसा। सिंपल टर्म्स में इसको रिबाउंड कंजेशन कहते हैं, मतलब आपने यूज़ कर लिया, थोड़ी देर के लिए असर कर लिया और वापस नाक बंद हो जाएगा, और ये नाक बंदपन जो है ये बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ये ड्रग इंड्यूस्ड रिबाउंड कंजेशन होता है। और लेटर ऑन कुछ सालों में या कुछ महीनों बाद ये असर नहीं करेगा। इंस्टेड आपको ये करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास, और हम लोग बताएंगे कि क्या कारण है, अंदर पॉलिप्स है या नाक की हड्डी टेढ़ी है या कोई और वजह है, कोई रेजिस्टेंट टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी है जो मतलब दवाइयों से नहीं ठीक हो रहा, मतलब कोई ना कोई कारण होता है, वेजोमोटर राइनाइटिस है या एलर्जिक राइनाइटिस है, हर चीज़ का इलाज है। और आजकल नए तरीके हैं, परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। अगर नाक की हड्डी टेढ़ी है तो एंडोस्कोपिक सेप्टोप्लास्टी से ठीक किया जाता है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। पुराने टेक्निक्स में हेडलाइट से क्या करते थे, पूरा अगर नाक की हड्डी होती है तो आगे आगे सही करते थे और पूरा विजन नहीं होता था पीछे के हड्डी का, सिर्फ कुरकुरे हड्डी का ठीक करते थे। लेकिन अभी एंडोस्कोपिक टेक्निक्स की वजह से पूरा अच्छे से आगे से पीछे तक रास्ता साफ कर सकते हैं और पैसेजेस अच्छा कर सकते हैं। तो सिमिलरली पॉलिप्स होते हैं तो उसके भी अलग टेक्निक्स हैं, एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी से उसको परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। सो इसीलिए आप अपने ईएनटी डॉक्टर के पास जाके राय ले लीजिए।